कैसी हो? क्या किया पूरा दिन? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये रोज रोज तेरा इतना लेट आना, ये ठीक नहीं है। अरे माँ, ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, और आप बताओ अगर ओवर टाइम नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे होगी? देख बेटा, बदलाव अच्छा होता है, लेकिन इतनी जल्दी इतना बदलाव भी अच्छा नहीं होता। गाड़ी की रफ्तार उतनी ही होनी चाहिए जितने पे हमारा नियंत्रण रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रही हो। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। तेरे साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। और वो क्या गलत हो रहा है मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। माँ हूँ तेरी, बचपन से तुझे देखा है, तू ऐसे कभी भी नहीं थी बेटा। माँ प्लीज, लाइफ में पहली बार मुझे एक अच्छी डायरेक्शन मिली है, अच्छा काम मिला है और लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और प्लीज मॉम, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती है तो प्लीज ऐसे सवाल करके मुझे डिस्करेज मत कीजिए। सोनिया, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब है ऐसी रोक टोक का? मैं कितने बजे भी आऊं और मेरी तरक्की कैसे भी हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप सिर्फ पैसों से मतलब रखिए। तुम क्यों बदलती जा रही हो इतना बेटा? बदलना तो आपको चाहिए वक्त के साथ, और ये अपने पुराने ख्याल छोड़िए और आगे बढ़िए, और मेरी लाइफ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश मत कीजिए, समझिए? नहीं, तू मेरी सोनिया नहीं हो सकती। इतनी ना समझ, इतनी बदतमीज, नहीं है तू मेरी बेटी। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, आपको जो समझना है समझ लीजिए, समझिए आप? सोनिया, क्या हो गया इसको, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, मैं आपको पहले दिन से नोटिस कर रही हूँ, आप चुप चुप के हमें देखते हैं। आई एम श्योर आपको पता है हमारे घर में कुछ गड़बड़ है, मेरी बेटी बहुत प्रॉब्लम है। आई बेग ऑफ यू, मुझे आपसे बात करनी दीजिए प्लीज, मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज, प्लीज खोलिए ना। हाँ थैंक यू। देखिए बहन जी, मुझे लगता है कि आपको पता है कि हमारे सामने वाले घर में कोई प्रॉब्लम, हम लोग जब से यहाँ आए मेरी बेटी बहुत बदल गई, पता नहीं उसे क्या हो, प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना मैं अपनी बेटी को खो दूंगी। प्लीज बताइए कि उस घर में क्या प्रॉब्लम है। जो आपकी बेटी के साथ हो रहा है वो मेरी बेटी के साथ हो चुका है। क्या मतलब है आपका? आप जिस फ्लैट में रहते हो, मेरी बेटी नेहा और मेरे दामाद वहीं रहते थे। एक्ट्रेस बनना चाहती थी मेरी बेटी, पर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आपने तो कहा था कि वो रोल मैं कर रही हूं, अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अचानक एक दिन उसे वो औरत मिली, बहुत खतरनाक थी वो। तुम इसे रोज इस्तेमाल करना, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और हां, एक बात याद रखना, जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। जिसे तुम पसंद करोगी उसके लिए ये खुशबू की तरह होगा, और जिसे ना पसंद करोगी उसके लिए तेजाब। नेहा को रातों रात सक्सेस मिल गई, सब मिला, पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, वो इन सब में अपने परिवार से दूर होने लगी। एक दिन तो उसके पति के साथ उसका इतना झगड़ा हो कि उसने अपने पति को ही मार डाला। हाँ।
अब कहाँ है आपकी बेटी? ये है मेरी बेटी नेहा। पिछले 6 महीने से दिन ब दिन इसकी हालत बदतर होती जा रही है। उन हादसों की वजह से मेरी बेटी पागल हो गई, इसीलिए हमें उसे उस कमरे में बंद रखना पड़ता है। जब भी होश आता है दरवाजे दीवारें पीटती रहती है बाहर निकलने के लिए। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है जो चीज मेरी बेटी के पास थी वो शायद आपकी बेटी को मिली है। उससे उसे कामयाबी तो मिलेगी पर सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो डर लगता है कहीं आपकी बेटी भी मेरी बेटी की तरह पागल ना हो जाए। वो कौन सी चीज थी जो उस औरत ने आपकी बेटी को दी थी? पता नहीं, ये क्या हो गया हमारे साथ? मेरी बच्ची की जिंदगी खतरे में। वो क्या चीज होगी जिसने मेरी बच्ची को पूरी तरह से बदल दिया? माँ, ये सब क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है हम आज ही इस घर से शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्यों और इतने अचानक से? क्या हो गया माँ? जब से हम इस घर में हैं हमारे साथ सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है माँ, तो अचानक से क्यों? तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन आज हम यहां से जा रहे हैं, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और हाँ, तुम्हारा सामान भी मैंने पैक कर दिया है। क्या आपने मेरा सारा सामान पैक कर दिया, वो भी मुझसे पूछे बिना? और वो मेरी परफ्यूम की बॉटल कहाँ रखी आपने? परफ्यूम की बॉटल? कौन सी परफ्यूम की बॉटल? वही परफ्यूम की बॉटल जिसने मुझे ये पहचान दी है, जिससे सब जलते हैं, आप भी जलती हैं। ओह, तो ये परफ्यूम ही वो खतरनाक शक्ति है जिसके बारे में शोभा जी ने मुझे बताया था। अगर मुझे सोनिया को बचाना तो कैसे भी इस बोतल को उससे दूर करना होगा। माँ, प्लीज बता दो माँ। सोनिया कहाँ है वो? सोनिया, मेरी बात सुन बेटा, सुन। देख, होश में आ सोनिया, वो उस परफ्यूम ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं माँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप बस देखो, आप मुझे बता दो वो परफ्यूम आपने कहाँ रखी। आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। प्लीज सोनिया, आप क्यों चाहते हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करना? वो परफ्यूम जिंदगी नहीं, मौत है। मौत नहीं है, उसी परफ्यूम ने मुझे पहचान दी थी। कौन छुपाई है बताओ, कौन छुपाई है मेरी परफ्यूम बताओ। रुक जाओ, ये रही वो परफ्यूम की बॉटल, इसी को ढूंढ रही थी ना तू? हाँ, प्लीज प्लीज माँ, मुझे वो परफ्यूम दे दो। सोनिया, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये परफ्यूम की बॉटल मैं तुझे नहीं दूंगी। माँ, आप वो परफ्यूम से दूर रहो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। माँ प्लीज। नहीं दूंगी, बोला ना, मुझे मेरे परफ्यूम वापस दे दो। मुझे जो करना है कर ले, लेकिन ये परफ्यूम की बॉटल मैं तुझे नहीं दूंगी। माँ, सोनिया, ये क्या कर रही है तू मेरे साथ? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। इसीलिए कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से, नहीं तो और बुरी हालत हो जाएगी आपकी। नहीं, ये परफ्यूम मुझे दे दो और जाओ यहाँ से। नहीं, नहीं दूंगी। माँ, मैं बोल रही हूँ, मुझे दे दो मेरी परफ्यूम। नहीं दूंगी माँ। दे दो और चली जाओ यहाँ से। मैं तुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती बेटा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। माँ, मेरी परफ्यूम मुझे वापस दे दो। माँ, मेरी परफ्यूम दे दो, मेरी परफ्यूम की बॉटल दे दो।
वापस दे दो मेरी बोतल। नहीं दूंगी। मेरी परफ्यूम मुझे वापस दे दो। तुझे चौंका ना कर। आखिरी बार बोल रही हूँ, वापस दे दो। मेरी बोतल मुझे वापस दो। नहीं दूंगी। सोनिया, ये बोतल। क्यों आए हो तुम यहाँ? देखो मेरी बात। हाँ? ये खतरनाक शक्ति है। ये परफ्यूम जानलेवा है। देखो ये काली शक्ति है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस परफ्यूम की बॉटल को तोड़ दिया जाए। लेकिन जो इस परफ्यूम की बॉटल को तोड़ेगा उसे मरना होगा, वो मर जाएगा। देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये सब मुझसे शुरू हुआ था और मैं ही इसे खत्म करूंगा। मुझे ये बॉटल दे दो। इसकी वजह से मेरा रोहित मर गया, मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। मेरी हालत देखो, आज मैं ऐसी इसलिए हूँ कि परफ्यूम कभी मेरे पास। जलते हो तुम मुझसे, सब जलते हैं मेरे से। मेरी बात मान जाओ, ये परफ्यूम नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। देखो ये उनके लिए खुशबू है जिन्हें तुम पसंद करोगी, जिन्हें तुम ना पसंद करोगी उनके लिए ये तेजाब है, ये तेजाब है। दे दो मुझे, तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो रहे हैं। जिद मत करो, दे दो मुझे, दे दो, दे दो, दे दो। छोड़ छोड़ इसे। देखो 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 छोड़, देखो इसका असर देखो, देखो सोनिया। देखो मेरी बात मानो, सबको बर्बाद कर दिया इसने। छोड़ो, मत करो ऐसा। नेहा Ah!